अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए है जिनका बजट कम है और जो कि कम बजट में एक अच्छी रिहाइश की तलाश में है। नाज़रीन, ये जो अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सेक्टर I-11-1 में हैं और पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी PHA के अंडर आते हैं और इसमें यह है कि लोकेशन वाइज बहुत ही आउट क्लास हैं और प्राइस इनकी बहुत ही रीज़नेबल है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी या बाइक है तो 5 मिनट की ड्राइव करके आप मेट्रो कैश एंड कैरी तक पहुंच सकते हैं और 5 से 6 मिनट की ही ड्राइव है आगे अगर आप कश्मीर हाईवे जाना चाहें या फिर आप IJP रोड जाना चाहें। तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, इस्लामाबाद के Zone 1 में लोकेटेड है और CDA सेक्टर के अंडर आता है ये। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी पार्किंग है, अगर आपके पास 2 गाड़ियाँ या आपके गेस्ट आते हैं तो आपको पार्किंग का कोई यहाँ पे इश्यू नहीं होगा। और सिक्योरिटी वाइज आपको बताते चलें कि ये पूरा एरिया जो है ये बाउंड्री वॉल से सिक्योर्ड है और इसकी एक ही एंट्रेंस है जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त बैठे होते हैं। बाकी गेट के साथ ही फिल्ट्रेशन प्लांट और ATM मौजूद है और थोड़ा सा आगे जाएँ तो मार्केट भी यहाँ पर है जिसमें करियाना स्टोर, तंदूर वाले की दुकान, दूध दही की दुकान, हर तरह की दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं। दुकानों के अलावा यहाँ पे मस्जिद, मदरसा और इस तरह की जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं। पार्क है यहाँ पे, इसके अलावा ट्यूशन सेंटर भी हैं और स्कूल कॉलेज भी यहाँ से बिल्कुल करीब हैं। तो फैसिलिटीज़ के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई ऐसी आपको परेशानी नहीं होगी यहाँ पे शिफ्ट होके। बाकी पानी, बिजली, गैस यहाँ पे मौजूद है क्योंकि एक NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो जो भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आते। तो इसमें यह है कि अच्छी फैमिलीज़ यहाँ पे रिहाइश पज़ीर हैं और अच्छी कम्यूनिटी यहाँ पर रह रही है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो जॉब करने वाले लोग यहाँ पर रह रहे हैं और कोई इस तरह से कोई गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे इस एरिया में नहीं होती। तो फैमिलीज़ के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, अगर वो यहाँ पे आके रहना चाहें तो एक सेफ़ इन्वायरमेंट है यहाँ पे। बाकी नाज़रीन आपको बताते चलें, यहाँ पे 2 तरह के अपार्टमेंट्स हैं, C-टाइप और D-टाइप, और उनकी जो प्राइस होती है उनकी लोकेशन के हिसाब से और उनकी कंडीशन के हिसाब से होती है। अगर मेन बॉलीवुड पे अपार्टमेंट है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, ग्राउंड फ्लोर पे उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, जितना आप ऊपर जाते जाएंगे तो उसकी प्राइस उसी लिहाज से कम होती जाएगी। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप हमारे से रब्ता करके डिटेल्स ले सकते हैं या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपना अपार्टमेंट सेल करना चाहते हैं तो भी आप हमें लाजमी कॉन्टेक्ट करके लिस्ट करवा सकते हैं। नाज़रीन, ये इसका गेट है, इस गेट के बिल्कुल साथ ही फिल्ट्रेशन प्लांट है और ATM की फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसके आप जैसे यहाँ से लेफ़्ट होंगे तो साथ एक छोटी सी मार्केट है जिसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। नाज़रीन, इसकी प्राइस आपको बताते चलें, यहाँ पे अपार्टमेंट्स जो हैं तकरीबन 70 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक यहाँ पे अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड हो वो हमसे रब्ता करके एक अच्छी डील बना सकता है। नाज़रीन ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी मार्केट है छोटी, कोई रश वाली जगह नहीं है, बिल्कुल पुरसकून एरिया है और ईज़िली आप यहाँ पर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। पार्किंग का सबसे बड़ी बात है कि पार्किंग का कोई इशू नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि ये सारी फैमिलीज़ जो यहाँ रह रही हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हुई हुई हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं तो बिल्कुल सेफ़ एनवायरनमेंट है, आप जो है इजीली यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये नाज़रीन इसकी मार्केट है और मार्केट में एक छोटी सी गली दी गई है ताकि जो लोग पैदल चलना चाहें तो उनके लिए सहूलत हो। नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।